نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أنهي उबर्री ओ मैं बरी करता नफसी अपने नफ्स को और नहीं मैं बरी करती अपने नफ्स को। अब यहाँ पे बरी करता भी लिखा है करती भी लिखा गया है, तो जैसे कि पिछली जो आयत थी सो यूसुफ की उसमें भी हमने ये सीखा था कि एक कॉल के मुताबिक ये जो बात है शुरू हुई पिछली आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की है, और ज्यादा राजह कौल और मुफस्सरीन जिस बात पे ज्यादा कहते हैं कि ये बात ठीक है तो वो अजीज मिस्र की बीवी की बात है, उसका कलाम है कि जैसे ही बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर सारी औरतों को बुलाया और उन औरतों ने आके यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश की के बारे में बताया, और अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का बताया कि वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, वो बिल्कुल पाक हैं, उनको उबारने वाले हम हैं। और साथ ही इस चीज का भी उनको कहा कि मैंने यानी अपने खामत की के लिए हक में हयानत नहीं की, बस मेरे नफ्स ने मुझको उबारा था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका इनकार किया। तो अब वो कहती है कि मैं बरी करती अपने नफ्स को, मैंने ये नहीं कहती कि मेरे नफ्स ने मुझे बुराई वेर अमादा नहीं किया, मैं अपनी मिस्टेक अपनी तरफ से जो गलती है उसको जरूर मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि नफ्स जो है इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, और नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ उकसाता है, बुराइयों की तरफ उबारता है। लेकिन इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई कि बेशक नफ्स अलबत्ता बहुत हुक्म देने वाला है बिस्सूई बुराई का। नफ्स बुराइयों की तरफ उकसाता है, लेकिन जिस पर अल्लाह की रहमत होती है वो बंदा बच जाता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, लेकिन जिस पर अल्लाह की खास रहमत होती है वो, इससे मुराद कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मैंने बुराई की तरफ अमादा किया, मैंने उनको उबारा, मेरे नफ्स ने मुझे हुक्म दिया और मैंने उस पर एक्शन लिया। सोच हर इंसान के जहन में बुराई की आ जाती है, लेकिन कुछ लोग उस सोच को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उस सोच पर अमल करना शुरू कर देते हैं। यानी ख्याल जो इंसान के जहन में पैदा होता है ना, जब इंसान उस पर पुख्ता इरादा अज़म यकीन कर लेता है तो फिर वही ख्याल अमल की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर वो ख्याल बुरा हो और जिसको आया है वो उसे कंट्रोल करे इल्ला मा रहिमा रब्बी, अल्लाह की रहमत से, तो वही बुराई का ख्याल अपनी मौत हक मार जाता है। बस अपने ख्याल का ख्याल रखना है, इस चीज को बहुत तवज्जो से समझें। ख्याल का ख्याल रखने से इंसान अपने नफ्स को काबू में कर सकता है, लेकिन जब हम अपने ख्याल को बेलगाम कर देते हैं, जैसी भी सोचे हैं उनको नहीं रोकते, वो नेगेटिव है, वो बुराई पर आमादा करने वाली है, वो वसवसों पर मुश्तमिल है, वो लोगों के अगेंस्ट करने वाली है, अपने ख्याल का बस ख्याल रखें तो इंसान काफी हद तक नफ्स को अपने काबू में कर लेता है। ख्याल को बेलगाम नहीं छोड़ना, फिर बुराई की तरफ आमादा करने वाले तमाम ख्यालात
इंसान उसमें से जो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं इंसान कम से कम उस पर तो काबू पा लेते हैं। लेकिन ये भी चीज याद रखी कि अपने कमाल से नहीं, इल्ला मा रहिमा रब्बी, लेकिन जिस पर अल्लाह की रहमत हो। तो इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान अगर अपने नफ्स से बचना चाहता है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। वही बंदा बच सकता है अपने नफ्स के हमले से जिस पर अल्लाह की रहमत है। जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, जिन फितनों के अंदर हमारा उठना बैठना चलना फिरना है, उन फितनों में हम चाहते ना चाहते इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम बचना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ये फला काम ना करें क्योंकि हमें पता ही बुरा है, लेकिन फितने इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इंसान कंट्रोल करते करते थक जाता है। किस किस से कंट्रोल करें? तो बस एक चीज याद रखनी है, इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाह नफ्स तो बहुत हुक्म देता है बुराई का, लेकिन तू तो रहमत करने वाला है ना, तो मेरी किस्मत में मेरी तकदीर के अंदर रहमत को लिख दे और मुझे बुराइयों से बचा ले। सिर्फ अल्लाह बचा सकते, इन्ना रब्बी गफूर रहीम। परेशान होने की जरूरत नहीं कि पिछली जिंदगी के गुनाह जो है उनका क्या होगा, परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि रब्बी गफूर रहीम बहुत सी जगहों पर। अभी तो यहाँ पे जैसे विषय की बीवी का कोर्ट जो है वो को की बात को कोर्ट किया गया है कि बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है, लेकिन अल्लाह खुद भी अपने बारे में यही फरमाते हैं। तो इससे एक बात ही पता चलती है कि अजीज मिस्र की बीवी अल्लाह ताला की सिफात गफूर और रहीम को मानती थी और नेकी और गुनाह को भी समझती थी। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये उसका कौल नहीं है क्योंकि वो तो काफिरा थी इसलिए, लेकिन इसका पिछले आयत के अंदर भी हमने यही सीखा कि जैसे मक्का में काफिर थे लेकिन वो जना को जना समझते थे और दूसरे गुनाहों को भी वो गुनाह समझते थे। और अल्लाह ताला को भी मानते थे। जैसे आज भी बहुत से कलमा गो मुशरिक हैं जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से इस्तगफार भी करते हैं, गुनाह को गुनाह भी समझते हैं, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि वो उसका दीन कोई और हो लेकिन वो अल्लाह को मानकर बाकी की बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, यानी अल्लाह को सब मानते हो लेकिन अल्लाह के साथ उन्होंने शरीक कह रहे हो। वकाल अल मालिक तूनी बिही अस्तखलिस लिनफ्सी, और कहा अल मालिक को बादशाह ने तूनी लाओ मेरे पास भी उसे, किसे, यूसुफ को। ही से मुराद ही प्रोनाउन है और ये किसकी तरफ लौट के जा रही है, यूसुफ की तरफ। हा होता हा, फिर औरत होना था ना, ही है। अस्तखलिस को मैं इसे खास कर लूंगा, और यहाँ पे सीन और ता मुबालगा के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उखलिस उखलिस को भी कह सकता था सीन और ता को निकाल के, हा लाम स्वाद ही इसका रूट वर्ड है। तो सीन ता मुबालगा के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका मतलब है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लिए खास कर लूंगा, नफसी अपनी जात के लिए। तो यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और दौर शुरू हो रहा है, जब गुलामी और कैद खत्म हुई और आजादी और हुकूमत और सल्तनत उनको अता हुई। तो जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की तबीर सुनी, फिर उनको बुलाने पर भी वो ना आए, बल्कि कितने साल की कैद उनको दी गई थी,
वो इतने साल की कैद में मुब्तला थे, अब बुलाया गया, फौरन आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई, फिर कैदखाने से निकला निकले। तो इसे एक बात भी पता चलती है कि वो आइंदा आने वाले दौर के लिए एक लीडर थे, और लीडर का करेक्टर जब तक साफ ना हो तो वो लीडरशिप नहीं कर सकता। उसकी क्वालिटीज भी लोगों को नजर नहीं आती, उसका करेक्टर मशकूक हो जाता है। एक अच्छा लीडर अपने किरदार को जितना हो सके उसे बचाने की कोशिश करता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सबसे पहले अपने करेक्टर पर लगे दाग को खत्म करवाने के लिए कहा कि उन औरतों को बुलाओ और उनसे तहकीक करो, फिर मुझे बाहर लेके जाना। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि जो मैं बाहर तो आ जाऊं लेकिन मेरा करेक्टर, मैं करेक्टर लेस के तौर पर मशहूर हो जाऊं। तो एक बड़ी अहम चीज हमें पता चलती है कि करेक्टर बचाना और उसके बारे में जो बुरी बुरी बातें होती हैं उससे बचना कितना जरूरी है। इसलिए हमें, वो तो अल्लाह के रसूल थे ना, तो वो पहले ही अपने करेक्टर को बचा गए थे, लेकिन उन पर इल्जाम लगा था और वो बचकर फिर बाहर आए, और बाहर आने से पहले उन्होंने अपने किरदार पर लगे दाग खत्म करवा दिया। कि हमारे पास ये नबूवत और ये इतना ज्यादा ईमान नहीं है, इसलिए हमें वैसे ही अपनी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे करेक्टर पर कभी भी कोई धब्बा दाग ना आए। पता नहीं अल्लाह ने आइंदा आने वाले दिनों में हमसे क्या काम लेना है, हमें किसी कौम का लीडर बना देना है। अब लीडर जब तक जो है हर तरह की बुराइयों से पाक नहीं होगा तो वो खुद भी अच्छे तरीके के साथ सफर नहीं कर सकेगा। और अगर कभी जिंदगी में हो भी गई गलतियां तो गफूर और रहीम अल्लाह पर्दा ढालने वाला है ऐपों पर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बादशाह ने कहा तो फिर वो सारे प्रोसेस के बाद बाहर आए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है, यानी वो बादशाह उनकी इस बात से इतना इम्प्रेस हुआ कि वो फौरन नहीं निकल के आए कैद से, बल्कि उन्होंने पहले एक बहुत अच्छा काम किया। तो कहने लगे उनकी शख्सियत को के साथ कलाम करने से पहले ही वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने ऑर्डर किया इसे मेरे पास लाओ और मैं इसे अपना खास बंदे से, पर्सनल सेक्रेटरी या जाती मशीर या फिर कोई अपना पर्सनल असिस्टेंट इसे रखूंगा, खास करूंगा, अपना खास बंदा। फलम्मा कल्लमा हो, जब बातचीत की उसने, किसने, यूसुफ ने, अभी तक गुफ्तगू का आगाज नहीं हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे अंदाज में, अखलाक के अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में उनसे गुफ्तगू की। तो बादशाह ने उनके इल्म की वसत और अखलाक की खूबियां और दूसरी जो उनके औसाफ हैं उनको अपनी आंखों से देख लिया। उनको यकीन हो गया कि ये कोई आम बंदा नहीं, इसके अंदर एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वालिटीज हैं। यानी अल्लाह ने इखलाक से भी नवाजा, इल्म से भी नवाजा, अल्लाह ने बातचीत करने का स्टाइल भी दिया, यानी कलाम करना। और गुफ्तगू इंसान का आईना होता है, और गुफ्तगू करने से इंसान के अंदरूनी मामलात की भी खबर हो रही होती है, इंसान के थिंकिंग की। इंसान जितना भी बचाए बचाए और छुपाए अपनी सोच को, सिर्फ जुबान ही नहीं, इंसान के बाकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है, इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि इंसान किस तरह और किस नीयत से बात कर रहा है। इंसान के चलने के अंदाज से, हर चीज से पता चल रहा होता है। इंसान बचा नहीं सकता खुद को, जितना भी बचाना चाहे। जो समझदार लोग होते हैं, शऊर वाले, जिन्हें मुआशरे के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होता है, वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज से ही इंसान की हकीकत पहचान लेते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कलाम से ही मजीद उनको रुतबा देने लगा। कहने लगा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बेशक तू आज से हमारे यहाँ बहुत मर्तबे वाला इमानतदार है। यानी कलाम से और बुलंद मर्तबा दे दिया, मकीन भी कह दिया, अमीन भी कह दिया।
और मकीन जो है ना, ये मकानतुन से है और मर्तबे वाले को कहते हैं, और ये सिर्फ चंद या एक के सिवा किसी को हासिल नहीं होता। यानी आप आपकी जिंदगी के अंदर किसी एक बंदा है मकीन। जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये वाला वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया है, आता है ना कुरान में, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ। किसके लिए यहाँ पे लफ्ज मकीन इस्तेमाल हुआ है पता है आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे मकीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए जिक्र किया कि बेशक ये एक ऐसा पैगाम पहुंचाने वाला कौल है जो बहुत मुअज्जज है। ये जो पैगाम लेके आ रहा है ना, बहुत मुअज्जज है, बड़ी कुव्वत वाला है, अर्श वाले के यहाँ बड़े मर्तबे वाला है, और वहां उसकी बात मानी जाती है, अमानतदार है। तो फरिश्तों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या रुतबा हासिल है? जैसे नबियों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा आला मुकाम हासिल है, फरिश्तों के अंदर सबसे आला रुतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया में जब बादशाह ने उनको मकीन कहा, यानी गोया कि बहुत बड़ा रुतबा उनको अता किया, और फिर अमीन भी कहा। अमीन कहते हैं अपनी जात, ममलिकत के मामलात और सारे राज, फिर लोगों के जान और माल और उनके दरमियान अदल इंसाफ के तमाम मामलात किसी के सुपुर्द कर देना, अमीन। यानी मुकम्मल काबिल इत्तमाद का होना, यानी हम तुम्हारी अमानत पर यकीन करते हैं और तुम्हारी अमानत पर हमें पूरा भरोसा है, आज के बाद ये सारे मामला तुम्हारे सपोर्ट हैं। सोचिए कि बादशाह उनकी किन चीजों से इंप्रेस हुआ था, उनकी हिकमत से और उनके उनकी गुफ्तगू से। यही दोनों चीजें हमारे पास नहीं है आज। एक तो हम हिकमत से काम नहीं करते, जो जहन में आता है वो बात कह देते हैं, जैसी बात कहने को दिल करे बिना सोचे, इसका कोई मकसद भी होगा कि नहीं, बोल देते हैं। और दूसरी चीज, हमारी गुफ्तगू का स्टाइल ही अच्छा नहीं होता, आजिज़ी नहीं होती हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारी बातचीत में। खुद परस्ती के बहुत से असरात नजर आ रहे होते हैं। यूसुफ अलैहि सलाम के अंदर ऐसा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था, उन्होंने फौरन से उनको पहले अपना पर्सनल असिस्टेंट और जाती मशीर करार दिया, फिर उनको मकीन भी बना दिया और अमीन भी बना दिया। अब यूसुफ अलैहि सलाम को यहाँ पे इतने मुकामात, इतने रुतबे मिल रहे थे, अब यूसुफ अलैहि सलाम ने थोड़ी उनकी मदद की और उनको कहा, कौला कौला जालनी अला हजाइनिल अर्ज, कहा कि मुझे खजानों पे मुकरर कर दीजिए, इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं बहुत हिफाजत करने वाला, खूब खूब इल्म रखने वाला हूँ, अलीम हूँ, हफीज हूँ। यानी सरजमीन मिस्र के खजानों पर मुझे मुकरर कर दे, क्योंकि मैं इनकी पूरी हिफाजत कर सकता हूँ, इस काम को अच्छी तरह जानता हूँ, अलीम हूँ। और इससे मुराद खजाइन, खजाइन जो है खजानत उनकी जमा है, और इससे मुराद गोदामों का निजाम जो खुशहाली के सालों के लिए तमीर किए जाएंगे और फिर गल्ला संभालेंगे, और कहत साली के दिनों में इनसे गल्ला तकसीम किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी मनसूबाबंदी, मेहनत और ईमान, अमानत और हिसाब किताब में महारत का होना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम मुझे दे दें, अल्लाह ने मुझे इसके बारे में इल्म अता किया है। या फिर इससे मुराद, यानी खजानों पर मुझे मुकरर कर दे, इससे मुराद तमाम जराए आमदनी और पैदावार पर मुकरर होना। यानी कुरान में आता है ना, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ही के लिए है खजाने आसमान और जमीन के। तो यहाँ पे भी मुराद
मुल्क का पूरा कंट्रोल है जिसका ताल्लुक खाने पीने से है। खुशहाली के सालों में गोदाम की तमीर, साल साल तक पूरा लोगों की जरूरियात का पूरा करना, हुकूमत की आमदनी को देखना, फिर लोगों से वो गल्ला खरीदना, फिर उसको सेव करना, फिर गोदाम में रखना। तो जब यूसुफ अलैहि सलाम ने देखा कि बादशाह की निगाह में इनकी कदरों मंजिलत बढ़ गई है, तो इन्होंने अपने हर तरह के इख्तियारात सौंपने की तैयारी कर ली है। तो फिर वहां पे यूसुफ अलैहि सलाम ने अपनी अहलियत पर एतमाद करते हुए पेशकश मुनासिब समझी और कहा कि सल्तनत के तमाम जराए आमदनी और पैदावार मेरे हवाले कर दे। और फिर हम देखते हैं कि दुनिया आत्मे की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे उन सबको अच्छे तरीके से संभाला, और आखिरकार वो मिस्र में उनके मुताबिक जो है ना, उनकी पेशकश के मुताबिक निजाम जो है चलने लगा। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी क्वालिटीज खुद बताई, तो हमें लर्न करने को मिलता है कि जहां कहीं भी हमें लगे कि ये काम हम कर सकते हैं और अल्लाह ने इसके बारे में हमें इल्म अता किया है, हमें सलाहियत दी है, तो हमें अपनी सलाहियतें लोगों को बताकर उनका काम कर देना चाहिए। और एक और चीज कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद ओहदा मांगने से मना किया है, यानी खुद हम कोई भी ओहदा नहीं मांग सकते। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ऐसे शख्स को हरगिज ओहदा नहीं देंगे जो इसका इरादा रखे। अब यहाँ पे फिर हम ये सोचते हैं कि यूसुफ अलैहि सलाम ने तो खुद ओहदा मांगा था, तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि ओहदे पर तो पहले ही उनको फाइज कर दिया गया था ना, पहले ही उनको अमीन और मकीन का रुतबा दे दिया गया, उनको जाती मशीर बना दिया गया। तो उन्होंने बस क्या किया कि डिपार्टमेंट चूज किया, यानी जैसे आजकल पहले वजीर चुन लिए जाते हैं फिर बाद में वो अपने लिए शोबे का इंतखाब करते हैं, तो ऐसे ही यूसुफ अलैहि सलाम ने भी किया कि जब बादशाह ने उनको साहब इक्तदार अमानतदार मुकर्रर कर लिया, तो यूसुफ अलैहि सलाम जानते थे कि खजाने पर अगर उनको बैठा दिया जाए तो वो अच्छे तरीके के साथ ये काम कर सकते हैं। इन्होंने ओहदा नहीं मांगा था, बल्कि जो नवाजा गया था ना ओहदा, उसमें इन्होंने यानी उनकी मदद की और उनको अपनी क्वालिटीज के बारे में बताया। जैसे कोई आप क्लास में कोई मॉनिटर बना लेते हैं, फिर बाद में उसकी ड्यूटीज लगाते हैं कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये ड्यूटी दे दे, हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, यानी अगर कोई हमें किसी यूनिवर्सिटीज कॉलेज या फिर किसी कहीं जगह पे भी कोई रुतबा मुकाम दिया जाता है, तो उस वक्त अगर हम गलत जगह पे बिठा दिए जाते हैं तो हमें अपनी क्वालिटीज बतानी चाहिए। जैसे सीवी वगैरह जमा करवाई जाती है तो उसके अंदर अपनी पर्सनल स्किल्स भी लिखी जाती है, इससे पता चलता है कि वो सब कुछ लेकिन अपने बारे में सब कुछ बताना जायज है। क्यों? क्योंकि ताकि अगला बंदा हमें हमारी क्वालिटीज और हमारी स्किल्स के मुताबिक हमें जवाब दे और हमें जिस जगह पे बिठाना है उस जगह पे बिठाए। ठीक है, इसमें किसी चीज की कुबाहत नहीं, ये नहीं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये जरूरी है, आप फिर गलत जगह पे जाके ना बैठ जाए। और दूसरा जवाब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपन ओहदा खुद मांगा था, इस चीज का इसरार करते हैं, तो इसका जवाब यह है कि जो शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा मुकाम रखता है, उसके पास इल्म भी है, उनके उन जैसे औसाफ भी हैं, फिर अपने नफ्स को कंट्रोल करने की तौफीक भी है और फिर नबूवत से भी सरफराज है, तो ऐसी सूरत में अगर ये सब चीजें किसी इंसान के पास हो ना, उस पर कंट्रोल हो, शैतान आके भटका ना सके, नफ्स के हमले से बच सके, अल्लाह के पक्के दोस्त हो, नबूवत उसको अता की गई हो, तो उस वक्त ओहदा अगर मांग ले तो कोई कबाहत नहीं। क्यों? क्योंकि ओहदे की जिम्मेदारी के जाया होने का खतरा नहीं होता, ना हयानत का। क्यों? क्योंकि पैगंबर मासूम होते हैं, उनसे कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई आम इंसान है तो उसे अपने लिए ओहदा मांगना नहीं चाहिए। ये मांग कर वो खुद को खुद आजमाइश में डालता है अगर वो इसकी अहलियत नहीं रखता। जैसा कि
हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनहु बयान करते हैं कि जो 10 लोगों का अमीर हो और उसे तोप पहना कर लाया जाएगा, अदल के सिवा उसे कोई चीज नहीं छुड़ा सकेगी या जुल्म से उसे खलाक कर दिया जाएगा। यानी आपको लीडर बना दिया गया है, आप अपने फॉलोअर्स के दरमियान में इंसाफ नहीं करते, 10 आदमियों के ग्रुप को आप लीड कर रहे हैं। अभी सिर्फ 10 आदमी लिमिट रखी है ना, वैसे तो लीडर के पास कितने कितने फॉलोअर्स उसके होते हैं, 10 लोग आपके अंडर हैं। अब आपने उन 10 बंदों के दरमियान में इंसाफ करना है, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या होगा, कयामत के दिन तोप बना कर लाया जाएगा, और जो जुल्म लोगों पे किया, किसी को ज्यादा मुकाम दे दिया, किसी को कम दे दिया, उसकी वजह से उन्हें खलाक कर दिया जाएगा। ये सवाल आपने शायद पहले भी पूछा था कि जखीरा करने से मना किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना गोदामों के अंदर जखीरा किया गया है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल के लिए भी चीजें रखी थी। यानी जखीरा का क्या प्रोसेस उन्होंने बताया था, उसकी 2-3 वजूहात। एक तो ये थी कि वो तबीर के जरिए आइंदा आने वाले दिनों के बारे में उनको पता चल गया था और आइंदा के लिए वो सेव कर रहे थे, ठीक है, किसी हिकमत की बिना पर। और वो इसलिए सेव नहीं कर रहे थे कि कीमतों को बढ़ा दिया जाए, या वो इसलिए सेव नहीं कर रहे थे कि आवाम को तंग किया जाए, बल्कि आवाम की जरूरत को पूरा करने के बाद उनसे ही चीजें खरीद कर सेविंग कर रहे थे। तो सेविंग का, जखीरा का जो मकसद है उसको भी तो देख रहे हैं ना हम लोगों के। हाँ, मुआशरे के अंदर जखीरा अंदोजी इसलिए की जाती है ताकि शॉर्ट कर दिया जाए और कीमतें बढ़ जाएं और आवाम के लिए मसाइल पेश आना शुरू हो जाते हैं। तो जखीरा, उन्होंने सारे का सारा माल जखीरा नहीं किया था, अपनी करंट जो नीड्स थी उनको पूरा किया और जो एक्स्ट्रा था उसको बचा के रखा। और ये भी था कि खाने पीने को थोड़ा कम किया ताकि आने वाले दिनों के अंदर जखीरा किया हुआ माल जो है ज्यादा ज्यादा दो और उसको हम यूज कर सके। तो ये उस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता जिसके तख्त जो है मना किया गया है। तो बात हो रही थी कि लीडर की, तो लीडर को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होता है। हमें बड़ा शौक होता है ना रुतबों का लेने का, कुर्सियों पे बैठने का, मुकामात हासिल करने का, लेकिन उसकी उतनी आजमाइशें बढ़ जाती हैं। इंसान अपने सफर को और मुश्किल बना देता है, कैसे इंसाफ होगा? और इंसाफ अगर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है। तो फिर अल्लाह से इस चीज की माफी मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इंसाफ करने की, अगर कोई कमी रह गई तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, कि जो बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें अदा करता है। तो ये डर हर पहलू पे, हर कदम पे होना चाहिए, हर हर स्टेप पे ये हमें डर अल्लाह का होना चाहिए। आप टीचर हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप किसी घर के अमीर हैं, अल्लाह ताला जब फिर इज्जत दे दे, रुतबा दे दे, मुकाम दे दे, तो फिर उसकी केयर करना और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए हमें बड़ी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। वकदालिक मक्कना लियूसुफा फिल अर्जी, इसी तरह इकतदार दिया हमने यूसुफ को जमीन में, यतबव्वउ वो रहता मिन्हा इसमें हैसु यशाउ जहां वो चाहता, नसीबु भी रहमतिना हम पूछ चाहते हैं अपनी रहमत को, मन नशाउ जिसे हम चाहते हैं, वला नुजीउ अजर मुहसिनीन हम मुहसिनीन का अजर एहसान करने वालों का अजर जाया नहीं करते, वला अजरु यकीनन अजर अलाखिरती आखरत का खैरुल लिल्लजीन आमनू व कानू यतकून, यकीनन अजर आखरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और तकवा एहतियार करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। अभी सही से पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र में हर किस्म के अख्तियार हासिल थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको इक्तदार दिया और पूरे मुल्क की जो लीड करने वाली सलाहियतें हैं यूसुफ को दी और इक्तदार और इख्तियार भी दिया।
और जो लफ्ज यतबव्वउ इस्तेमाल किया गया है ना, ये इतना खास लफ्ज है तो ये जंतियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं ना, वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदकना वअदा वअورثنا الأرض يتبوأ من الجنة حيث نشاء। और वो कहेंगे सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें हमसे अपना वादा किया और हमें इस जमीन का वारिस बनाया, हम इस जन्नत में जहां चाहे जगह बना लें। तो उनको दुनिया के अंदर ही मिस्र के अंदर ऐसी तौफीक, ऐसा इख्तियार दिया कि जहां चाहे अब वो जाएं, घूमे फिरे, पहले वो कुएं में रहे, कुएं से वो फिर एक घर में आए, फिर उनको फिर कैद में डाल दिया गया, फिर इज्जतों के साथ निकल कर वहां से वापस आए। और फिर अल्लाह ने उनकी जिंदगी की आजमाइश खत्म करके अब उनके इनामात का दौर शुरू हो रहा है। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर है, फतह मक्का के बाद का दौर है, तो इंसान कहता है ना, मेरी जिंदगी का मक्की दौर चल रहा है, मेरी जिंदगी का की जाहलियत का एक दौर होता है। तो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किसी से हम देखें ना, तो हम पर भी ऐसे दौर आते हैं। कभी हम कुओं में होते हैं, कभी हम किसी की गुलामी के अंदर होते हैं, कभी हम बेकसूर कैद हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हो गई होगी, जब वो कैद कुएं में डाले गए थे कितनी उम्र थी? आई थिंक अगर हम कोई अंदाजा लगाएं, कोई बच्चे की उम्र 9-10 साल, इतनी उम्र होगी, चलिए 11-12 साल लगा लें। 12 साल की उम्र से लेकर अब जवानी में पहुंच रहे तक 28 साल, या फिर कैद की भी उम्र डालें तो 30 साल लगा लें, यानी कितनी, 12-13, यानी 18 साल, या अगर बचपन से इनकी आजमाइश थी, उनके भाई उनसे प्यार नहीं करते थे, हसद करते थे, तो 30 साल तक उनका वक्त आजमाइश था। हम 1 साल में घबरा जाते हैं, ये अंदाजन है, ये करेक्ट नहीं है उम्र कि आप उसे काउंट करें, लेकिन करेक्ट नहीं है। वैसे अंदाजन हम सोचते हैं कि कम से कम 30 साल उम्र होगी इस जगह पे पहुंचने के लिए। हम अपनी आजमाइशों को बहुत कम टाइम देते हैं और हम डट नहीं जाते, हम हार जाते हैं, हम मरने मराने की बातें करने लगते हैं, मुझे अल्लाह मोड़ दे दे, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं नहीं सह सकती। हमारी आजमाइश तो चंद लम्हों की होती है फिर खत्म, लेकिन एक बंदा मुसलसल 30 साल अंदर थोड़े अरसे के लिए वो खुशहाल रहा, लेकिन फिर भी वो गुलाम थे। तो अपनी आजमाइश को अल्लाह की तरफ से आती है। अगर हम बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह की नजर में खास तौर पर कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आजमाइशों के दौर से भी वैसे ही मोहब्बत करनी चाहिए जैसे हम खुशियों के लिए करते हैं। तो देखिए फिर बाद में उनको कितना कितना कुछ अता किया गया था। वो तमाम लोग जिनको गुलाम बनाए हुए थे, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए। नसीबु बिरहमतिना मन नशाउ, अल्लाह कहते हैं कि हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं उसको अता करते हैं, और हम मुहसिनीन का अजर जाया नहीं करते। वला नुज़ीउ अजरुल मुहसिनीन, जो एहसान करता है, जो अल्लाह की बात मानता है, जो अपने नेकियों में ऐसा हुसन पैदा करता है कि वो मुहसिन लोगों में शामिल हो जाता है, अल्लाह ऐसे बंदों का अजर कभी भी वेस्ट नहीं करते। अमीन टीचर किस तरह बना जाए कि इस टीचिंग के दौरान नमाज को ज्यादा टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि वो वक्त भी अमानत होता है। या भी फर्ज क्वेश्चन है आपका, देखिए हमारी जिंदगी पहले किसी और की अमानत है और फिर हम किसी और के अंडर आते हैं, तो ऐसे करें कि आप परमिशन लें। या पहले जब भी हम जॉब करते हैं ना, उस जॉब के अंदर हमें ये चीज बतानी चाहिए कि हम जो अनासी करेंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उस वक्त के अंदर तो फराइज अदा करें, और फिर जब आप अपने घर को लौटते हैं तो अगली नमाज के साथ उसकी सुन्नतें भी पढ़ लें।
ठीक है, अगर इंसान इरादा बनाता है ना, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं। आपको लगता है टाइम शॉर्ट है और आप नहीं कर रहे, मैनेज कर रहे, तो फर्ज तो जरूरी है ना, फर्ज तो लाजमी है। लेकिन सुनते आप अगली नमाज के साथ अदा कर सकते हैं या थोड़ा लेट पढ़ सकते हैं, कि ज्यादा पूछ गिछ तो फर्ज पे होती है। तो नमाज जो है ना, नमाज अमानत है हमारे पास, और फिर ये अल्लाह की अमानत है और उसको भी पूरा करना है। वाला अजरुल आखिरति खैरुल लजीना आमनू, तो दुनिया के अंदर उनको इतना अजर दिया गया तो आखिरत के अंदर उनको इससे भी ज्यादा अजर दिया जाएगा। और अल्लाह कहते हैं कि ईमान वालों के लिए ये दुनिया का इक्तदार, दुनिया की हकूमत, दुनिया की इख्तियार कोई माने नहीं रखते, उनके लिए असल अजर आखरत का है। कौन से लोग? ईमान वाले, वकानू यत्तकून, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते। और इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, यहां से यत्तकून तक का एक देखें कि इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी का हल बताया गया है यत्तकून के अंदर। अगर हम अपने नफ्स के हमले से बचना चाहते हैं तो हम तकवा के अंदर सिमट जाए, ये तकून तकवा के अंदर खुद को समेट लें, खुद को छुपा लें। एक ऐसी छतरी है जो इंसान को उसके नफ्स से बचा देती है, शैतान से बचाती है, फितनों से बचाती है। ये तकून तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, सिर्फ ये एक चीज हल बता दिया साहब। तो आज की याद हमारे लिए अमली लिहाज से बहुत अहम है। सबसे पहला अमल, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा गुनाह छोड़ने की पूरी कोशिश करनी है जो नफ्स की वजह से कर रहे हैं, और हालांकि हम करना नहीं चाहते लेकिन नफ्स उबारता है, बार बार उबारता है। और उसे कैसे खत्म करेंगे? तकवा के जरिए। और फिर ऐसे जब आगे आते जाएंगे तो मजीद हमें समझ में आती हैं बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की, कि जितनी तकलीफें बर्दाश्त करें वो यूसुफ अलैहिस्सलाम या बाकी अंबिया की तकालीफ से कम ही होंगी। इसलिए खुशी से, करहन नहीं, तौन अपने आजमाइश के सफर को गुजारने की कोशिश करें, और इंतजार करना है अल्लाह का, मदद मांगनी है, मौत नहीं मांगनी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हार कर, थक हार कर मौत की तमन्ना करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से मदद की तमन्ना करते हैं, मदद मांगते हैं, फिर अल्लाह उनकी आजमाइश को कम करके उनको अच्छा वक्त अता जरूर करते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों का अजर जाया नहीं करते। तो मुहसिनीन में शामिल होना है, कोशिश करनी है मुहसिन बनने की। किस किसने करनी है? इंशाल्लाह जरूर करनी है मुहसिन। आजकल जो है ना, इंटरेस्ट थोड़ा महसूस हो रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो कोशिश करें ये नए नए आप जो काम करते हैं ना, इंटरेस्ट पैदा करें। कुरान की मोहब्बत जो है ना, वो रोज एक नए अंदाज में हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके के साथ कुरान का हक अदा कर सकें। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب.